हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन। मैंने यहाँ पे तीन पाइल्स रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। चूज करते हैं पाइल नंबर 3, ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन। ओवर रिएक्ट, तो हाल ही में वो ओवर रिएक्ट करने लगे हैं, सिचुएशन से ओवर हो गए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऊब गए हैं सिचुएशन को हैंडल करते करते और परिस्थिति जो है वो उनके नियंत्रण के बाहर चली गई है। सिचुएशन आती जा रही है और अभी किस तरह से डील करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। शायद उनको फेमिनाइन का साथ नहीं मिल रहा है इसी कारण वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इसके वजह से उनको ओवरडू हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उनकी जो हालत है उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और अगर इससे उभरना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसी कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, इसी कारण वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लगे हैं। डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम, तो वो समझ चुके हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन ड्रीम कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उनके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो आसान नहीं होती, वो यूं ही चलती रहती है लगातार। तो उसमें जो एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, लेकिन कई बार इसमें हमें सपोर्ट मिलता ही है, ऐसा नहीं है, तो कई बार हमें बिना सपोर्ट के आगे बढ़ना होता है और ट्विन फ्लेम में ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चीज़ होती है कि हम कई बार अकेले पड़ जाते हैं और खुद ही खुद से लड़ने झगड़ते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, प्यार तो है लेकिन उसका इकरार सामने वाले से कब होगा, फिर सामने वाला हमें कब समझेगा, ये परिस्थिति हमारे मुताबिक कब होगी, तो ये हम समझ नहीं पाते। इसी कारण ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी बहुत सारी बातें आती है तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस में जी रहे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनको आ रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वे आउट क्या है ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट वे आउट कैसा होगा, वे आउट है भी या नहीं भी, और इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने का ज़रिया क्या हो सकता है। तो उनकी फीलिंग जो है वो अंदर ही अंदर दब चुकी है, तो बाहर नहीं निकल सकता उनका फ्रस्ट्रेशन, तो अंदर ही अंदर वो फंस गए हैं और मन से ही दुखी हो गए हैं और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण एक दबाव उनके ऊपर पड़ गया है। तो इस दबाव को बाहर कैसे निकालें और कैसे रिस्ट्रिक्शन फेस से बाहर आए, इस सोच में पड़े हुए हैं जिनका सोल्यूशन उनको अब तक नहीं मिला है, इसी कारण फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी नेक्स्ट मूव उनका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आर्ट है न्यू बिगिनिंग, तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है उनको, लेकिन नई शुरुआत कैसे करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नई शुरुआत के लिए जो चीज़ें उनकी ज़रूरत है वह है हौसला, अफजाई करना, आत्मविश्वास, भरोसा, प्यार, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए जो कि ठीक तरह से नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज लैक ऑफ फोकस है इसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो रही है अलग अलग जगहों पर, इसकी वजह से प्यार पर उनका इतना फोकस नहीं रहा है या फिर प्यार के ऊपर उनका पावर इतना नहीं हो रहा है, इसी कारण न्यू बिगिनिंग जो है वो ठीक तरह से हो नहीं पा रही है, इसके कारण फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। और अगर न्यू बिगिनिंग करनी भी है तो किस तरह से करें, या फिर बातें करनी है अपने फेमिनाइन पार्टनर से तो किस तरह से करें, एक नए सिरे से शुरुआत करनी है तो कैसे करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यूनियन, तो यूनियन उनके हाथ में है, यूनियन हो सकती है लेकिन उसके लिए दोनों चीज़ों को, दोनों व्यक्तियों को, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, एक दूसरे को समझ के लेना होगा, एक दूसरे के जो बीते कल है उनको भुलाना होगा और एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको समझ के लेना होगा। कई बार क्या होता है कि हम खामियों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर हम कल को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, अगर वही पास्ट प्रेजेंट में आ गया है, फ्यूचर में आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो ये बातें जो हैं वो डिस्टर्ब कर देती हैं। तो यूनियन हो सकती हैं लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यूनियन होने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पा रही है तो उसमें डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। तो यूनियन हो सकती है और होनी चाहिए
लेकिन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए कि वो एक दूसरे का साथ हर हालत में निभाएंगे और एक दूसरे के जो प्रोज और कॉन्स है उनको ठीक तरह से समझ के लेंगे और एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है सॉल्यूशन कमिंग आउट। तो जो सॉल्यूशन है वो उनके लिए निकल के आ रहा है और ये सॉल्यूशन उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो जल्दी आ सकता है और शायद आ भी चुका है, लेकिन उनको एक दूसरे को समझ के लेना होगा। सॉल्यूशन यूं ही नहीं आता, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, एक दूसरे को समझ लेना पड़ता है और जो चीज़ें या फिर परिस्थिति हैं उसको हैंडल करना पड़ता है। तो परिस्थिति को और चीज़ों को सही तरीके से अगर वो हैंडल कर पाए तो एक अच्छा सॉल्यूशन उनके हाथ में आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, अमेजिंग मैसेजेस। तो बहुत अच्छे मैसेजेस या फिर बहुत अच्छी सूचनाएं उनको मिल रही है, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है और तरह तरह के मैसेजेस उनको सेंड कर रहा है जिनकी उनको ज़रूरत है। तो उनको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, इंट्यूशंस मिल रहे हैं, सिक्स सेंस उनका बढ़ रहा है कि उन्हें कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस उनको इसके ऊपर वर्कआउट करना है और जो यूनिवर्स से मैसेजेस मिल रहे हैं उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करना है। नेक्स्ट कार्ड है पार्ट हेवन। तो हेवन अब तक मिला नहीं है, पार्ट हेवन मिला है, मतलब शुरुआत हो चुकी है आगे बढ़ने में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आ सकता है अगर मस्कुलाइन को ये लग रहा है कि उसे हेवन ही चाहिए, फिर पूरी तरह से शिद्दत से प्यार ही चाहिए। तो अभी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़े से मुश्किल हालात है, जैसे कि अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से मिल नहीं सकते, फिर कई बार बातें नहीं हो पाती, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे में पार्ट हेवन है, ये हेवन पूरा नहीं है, तो इसको समझ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है इमोशनल एक्सटेसी। तो इमोशनल एक्सटेसी जो है वो बढ़ती जा रही है और इमोशंस से कनेक्ट होने जा रहे हैं और इमोशंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, जैसे कि उनका दिल कर सकता है कि एक प्यार की झप्पी पाऊँ या फिर देख आँखें भर के एक दूसरे को देखूँ। तो ऐसे ही इमोशंस उनके मन में घर कर सकते हैं, इसी कारण फ्रस्ट्रेशन और बढ़ सकता है। तो इमोशनल एक्सेसिव बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करें ये उनके हाथ में है। पर्सपेक्टिव, तो एक दूसरे को देख लेना और समझ लेना ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हर कोई लॉकडाउन में फंसा हुआ है। और दूसरी बात की पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके भी क्या हालात है, वो किस तरह से जूझ रहे हैं, फिर उनकी क्या परेशानियां हैं। अगर ये मस्कुलाइन समझे तो अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने में उनको पावर मिल सकती है। अभी क्या है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और ट्विन फ्लेम में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया है। ये जर्नी कहाँ तक है, कब तक रहेगी, ये जर्नी उनको हर्ट कर रही है, तो इस हर्ट में वो जी रहे हैं, इसी कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मूव उनका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है मैजिकल हेवन। तो उन्हें जो चाहिए वो मैजिकल हेवन जल्दी ही उनको मिल सकता है। कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि उनको लग रहा है कि फेमिनाइन का फ़ोन आ जाएगा, अचानक फेमिनाइन फ़ोन कर रही है, फिर मैसेज कर रही है, या फिर अचानक से दोनों आके मिल रहे हैं। तो ऐसी बातें आगे हो सकती हैं, शायद कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में, और एक पॉजिटिव अप्रोच दोनों का ज़िंदगी की तरफ हो सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी बात है कि मैजिकल हेवन पे भरोसा रखना और इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे भरोसा रखना। नेक्स्ट कार्ड है लव सीजन। तो एक अच्छी शुरुआत हो रही है ज़िंदगी में और जो उनको प्यार चाहिए वो उनको मिल सकता है, बस उनको भरोसा करना है अपने खुदा पे, खुद पे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है स्टेयर्स क्लूज। तो उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आगे कैसे बढ़ना है, तो उनको डिफरेंट तरीके स्टेयर्स क्लूज मिल रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, या फिर उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। इन सब के जवाब उनको धीरे धीरे मिल सकते हैं। और फाइनल कार्ड है क्लूलेस। तो ये सब मिलने के बाद भी उनका जो दिल है या दिमाग है वो क्लूलेस बन चुका है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है, जल्दी में है। उनको चाहिए कि सभी चीज़ें एक साथ हो जानी चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर टू। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। तो उनको लग रहा है कि कोई चीज़ वो भूल गए हैं या फिर भूल चुके हैं। तो ये कोई एनिवर्सरी हो सकती है, पहली डेट हो सकती है जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन पहली बार मिले हो, या कोई भी ऐसा दिन जो इन दोनों के लिए बहुत स्पेशल हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में इन दोनों को भी भूलना पॉसिबल नहीं हो या फिर भूलना लाजमी नहीं होगा।
तो ऐसी कोई चीज़ है जो वो भूल रहे हैं जिसके कारण ये थोड़े से तकलीफ़ में है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो भूल गए हैं, भुलक्कड़ बन गए हैं और इसकी तकलीफ़ शायद फेमिनाइन को हो सकती है। सेकंड, ब्लिंक योर आइज। तो खुद पे बिलीफ है इनका और फेमिनाइन पे भी बिलीफ है। ब्लिंक योर आइज तो बिलीव कर रहे हैं एंड दे आर पॉजिटिव अबाउट द आउटकम और सोच रहे हैं कि जो भी आउटकम है वो सही रहेगा और ज़िंदगी में हालात जो है वो बेकाबू नहीं होंगे बल्कि और अच्छी तरह से उभर के आएंगे और इनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से आगे अच्छी तरह से बीत जाएगी। बस उनको ज़रूरत है कि सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करें और टाइम को जाने दें। नेक्स्ट कार्ड है मियानी, तो एक ट्रम्प कार्ड आ गया, तो एक पॉजिटिव अप्रोच जो है ज़िंदगी की तरफ उनका हो रहा है। मियानी तो फेमिनाइन प्लस मस्कुलाइन ये जो फीलिंग है ये यहाँ पे हमें दिख रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो एक जो अप्रोच है मस्कुलाइन का वो है कि मस्कुलाइन प्लस फेमिनाइन इज इक्वल टू ट्विन फ्लेम, तो वो समझ के जा रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा रिलेशनशिप है जो कि आगे कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ेगा और इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है। एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो एक दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो नहीं रह रहे हो, लेकिन उनका भरोसा जो है वह एक दूसरे पर है और एक दूसरे को समझ के लेके जा रहे हैं। मतलब अभी एक दूसरे से दूर है, बातें हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी समझ के ले रहे हैं कि हाँ ज़िंदगी में ऐसी बातें भी होती हैं, सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करना इनको आना चाहिए। तो सिचुएशन के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमने पाइल थर्ड में देखा कि ओवर रिएक्ट, तो यहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं हो रहा है या फिर भरोसा लूज़ नहीं हो रहा है, तो भरोसा टिक रहा है, भरोसे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट दे आर फोकसिंग कि हाँ सिचुएशन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है लेकिन प्यार जो है वो हद से ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन को संभाले हुए हैं, एक दूसरे को संभाले हुए हैं। एंड मस्कुलाइन इज़ प्रेटी हैप्पी दैट ही हैज़ फाउंड हिज फेमिनाइन। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, जिससे सुकून भरी ज़िंदगी जीने का पल इनको मिल रहा है और एक सुकून भरा पल इनके ज़िंदगी में आ रहा है, तो इसके लिए बहुत खुश है। नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमें इसी वक्त मिलना है या फिर इसी वक्त कॉल करना है और कई बार हम कॉल नहीं कर पाते या फिर सामने वाला हमें रिस्पॉन्स नहीं देता, तो उनकी भी कोई मजबूरी होती है, कोई चीज़ होती है जो तकलीफ़ देती है या फिर कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मस्कुलाइन जो है वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है और समझ ले रहा है कि हाँ कुछ बातें ऐसी होती हैं, फिर कई बार समय ऐसा आता है कि हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं ढालती, हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पे समझ के लेना ये बहुत समझदारी की बात होती है और ये मस्कुलाइन यहाँ पे कर रहे हैं, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन, तो इन्होंने अपना ड्रीम जो है वो भुलाया नहीं है, वो ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, फेमिनाइन को लेके कितने रोमांचक हैं, रोमांचक ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर उनकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो वो सब ख्वाहिशें इन्होंने संजो के रखी हैं और वो एक ना एक दिन पूरी करना चाह रहे हैं। अगर रियलिटी में नहीं मिल रहे तो सपनों में जी रहे, सपनों में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ढेर सारी, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कई सारी ख्वाहिशें हैं जो इन्होंने दिल में दबा के रखी हैं और एक ना एक दिन ये ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी, ऐसा इनका विश्वास है और इस विश्वास को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ड्रीम डेस्टिनेशन उन्होंने तैयार किया है कि एक ना एक दिन वो इसे ज़रूर प्राप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आर यू फ्लिपिंग साइड। तो यहाँ पे थोड़ा उनको लग रहा है कि थोड़ा सा जो उनका पेशेंस है वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो लग रहा है कि मैं उनसे जाके मिलूँ, उनसे बातें करूं या फिर थोड़ा पूछूं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। सो थोड़ा सा थोड़ी सी हिचकिचाहट उनके दिल में चल रही है, लेकिन फिर भी हालात बेकाबू नहीं है, वो एक दूसरे को समझ के ले रहा है। लेट्स डू सम शॉपिंग। तो बोर हो रहे हैं और कुछ इकट्ठा ये करना चाहते हैं, जैसे कि शॉपिंग है तो शॉपिंग करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, क्लोज हो सकते हैं या फिर कोई सरप्राइज़ हो सकता है, तो एक दूसरे के लिए कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, इनर सोल स्पीक्स। तो उनके अंदर से फीलिंग आ रही है, सिक्स सेंस उनका बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बातों के ऊपर कितना स्ट्रेस देना चाहिए, बातों को किस तरह से घुमाना चाहिए, फिर किस तरह से पेशेंटली वेट करनी चाहिए, तो वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड इज़ टफ रोल।
उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन जो है वो हैंडल होने लायक नहीं है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इस सिचुएशन को हर एक को गुजरना है, हर मस्कुलाइन को गुजरना है। तो वही सोच रहा है कि लेट द सिचुएशन पास आउट, सिचुएशन को जाने दें, और उसके बाद जो सिचुएशन आएगी या फिर समय आएगा उसके बाद वो अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर देंगे। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर वन, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि अगर प्यार है तो प्यार दिखना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्यार ज़रूरी है, जताना चाहिए। तो वो डिमांड कर रहे हैं मस्कुलाइन, जैसे कि इन्होंने कॉल किया तो कॉल रिसीव होना चाहिए, अगर इन्होंने मिलने को बोला तो भी उन्होंने मिलने को आना चाहिए। तो यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपने डिमांड्स आगे रख रहे हैं कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इसके लिए वो डेफिनेशन कर रहे हैं और डेफिनेशन का जवाब मिल रहा है उनको एक्सप्लेनेशन के लिए कि मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि अगर प्यार है तो किस तरह से है, प्यार है तो कैसे बन रहा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट कार्ड इज मैसेज अंडरस्टूड। तो उन्हें फेमिनाइन से कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो फेमिनाइन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, तो उनसे भी फ्रस्ट्रेटेड वाले मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। अब इनमें फेमिनाइन की कोई गलती नहीं है, कुछ फेमिनाइन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, और यहाँ पे मैस्कुलाइन की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो रिसीव हो गए मैसेजेस वो फ्रस्ट्रेटेड मैसेजेस हैं, उसी कारण मैस्कुलाइन भी थोड़े से हर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है इमोशंस इवेपोरेटेड। तो थोड़े से इमोशंस जो है इनके वो इवेपोरेट हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े से ओवर डू कर रहे हैं मस्कुलाइन, फ्रस्ट्रेटेड है, और फेमिनाइन का जो ओवर रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। काउंटडाउन में फंस गए हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर कैसे निकाले। मिलना चाह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन एज वी नो कि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे द ओनली वे पॉसिबल इज़ टू वेट वेट एंड पेशेंटली वेट। तो बस पेशेंटली वेट करना होगा। तो ऐसे में क्या है, इनके जो इमोशंस है वो थोड़े से इवेपोरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड इज लव इज दैट होल्डिंग यू। तो अगर रिलेशनशिप अभी तक स्टेबल हो चुकी है तो क्या है उसकी वजह, तो वजह एक ही निकलती है, वो है प्यार। तो क्या प्यार यही एक वजह है जो रिलेशनशिप को बांधे हुए हैं? तो एक खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब मिल रहा है कि हाँ यही प्यार है। तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या सच में रिलेशनशिप में प्यार है, और क्या सिर्फ प्यार ही है जो रिलेशनशिप को बांधे हुए हैं? तो हाँ ये प्यार ही है, इसका जवाब इनको जो मिल रहा है, और इसको अगर ये सही मायने में ले रहे हैं तो उनको जवाब मिलेगा प्यार ही है, जिसके कारण रिलेशनशिप बची हुई है। नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ भी चुके थे तो वो धीरे धीरे निकल जा रहे हैं। समवन इज इंटरफेयरिंग। तो उनको लग रहा है कि कोई है जो इन दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई घरवाला हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जो शायद इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ हो या फिर इन दोनों के बीच में आ सकता हो, जैसे कि फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, जो कह सकते हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, या फिर कोई दोस्त हो सकता है जो इनके बीच में टांग अड़ा रहा। नेक्स्ट कार्ड इज आउटडोर। तो आउटडोर मिलना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत आ गया है, फ़ोन पर बात करते करते, टेक्स्ट मैसेज करते करते, तो फाइनली एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। कम्युनिकेटिंग। तो उनके हाथ में बस एक ही रास्ता मिल रहा है, वो है कम्युनिकेटिंग का। तो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड इज आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो जैसे पहले वो मिला करते थे, बातें किया करते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, तो ये सब जो बातें हुआ करती थी वो रिलेशनशिप उनको वापस चाहिए। तो यही बात वो सामने रख रहे हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए।